बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। भाजपा के विधायक अनिल शर्मा ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है और मंडी सदर विधानसभा के साथ भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अनिल शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में अब तक मंडी सदर में कितने कार्य हुए हैं और कितना पैसा खर्च किया गया है उसको लेकर जानकारी मांगी तो शिक्षा मंत्री द्वारा कोई संतुष्ट जवाब ना देने पर अनिल शर्मा खिलाफ हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी सोच का दायरा बदलने की नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सभी क्षेत्र का एक समान विकास करना चाहिए। मुद्दे तो एक विधायक हूं मैं अब तो, और विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना एक विधानसभा के अंदर ही हम प्रश्नों के माध्यम से उठाते हैं, दूसरे माध्यम से भी हम इन मुद्दों को उठाते हैं। प्रश्न तो केवल मात्र ये था कि पिछले 3 सालों के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मैं एजुकेशन की बात कर रहा था, शिक्षा की बात कर रहा था, कि कितना पैसा 3 सालों के अंदर मेरे क्षेत्र में दिया गया है। और इन तीन सालों का जवाब को बदल दिया गया, क्योंकि प्रश्न कुछ और था, जवाब जो प्रश्न को विधानसभा के अंदर कुछ और रूप से पेश किया गया, तो मैंने फिर कहा कि मुझे 3 सालों की जानकारी दी जाए। मतलब 3 सालों से जब से मैंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था उसके बाद से लेकर सारे काम जो शिक्षा के अंदर और दूसरे क्षेत्रों के अंदर है वो काम बंद कर दिए गए। और ये जो है, जब मंत्री जी ने जवाब दिया, मंत्री जी ने कहा कि 4 स्कूल जो हैं जो 100% कम्प्लीट हो चुके हैं, तो मैंने उसको कहा कि आप मिसलीड कर रहे हैं हाउस के अंदर। एक हाउस के अंदर एक मंत्री को तैयार होकर आना चाहिए, और इस तरीके से मैं भी रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि हर आंकड़े मंत्री को पता होते हैं, पर विभाग जो है उसकी जो है वो विभाग में कैसे आंकड़े जो है सरकार के अंदर दिए जाते हैं उसका मैंने प्रश्न उठाया। मैंने कहा कि ये 4 स्कूल बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं 8 में से, तो कम से कम आप उनके उद्घाटन कर देते, जनता को दे देते हो। और जब वो दोबारा से उसको प्रश्न को जवाब देने लगे तो उनका एक कोई 80% कंप्लीट है, कोई 70% कंप्लीट है, तो कहाँ गए फिर वो 4 स्कूल। तो इस तरीके की बात मैंने कहा कि 3 सालों के अंदर जहाँ 3-3 करोड़ की बिल्डिंग का है वह 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये अनदेखी जो है सदर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, जब से मैंने जो है मंत्रिमंडल से जाए थे तब से शुरू हो गया। जो भेदभाव हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में लोगों को जो है इसके बारे में बताऊं कि मुख्यमंत्री जी ने जरूर मुझे बुलाया, और बुलाकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप काम कीजिए, पार्टी का काम कीजिए, पार्टी के विधायक हैं, अब आपका बेटा चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न कहा था कि यदि मैं चुनाव में लोगों के बीच में जाता हूँ, मेरा बेटा जब चुनाव हारा था तो मैं रामस्वरूप जी को रिसीव करने शेरी मंच पे गया, आपने मुझे कुर्सी तक नहीं दी, और जब मैं बैठ भी गया तो आपने मुझे जनता के बीच में, महेंद्र सिंह जी ने, रामस्वरूप जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में प्रताड़ित किया। मैंने इस बात को भी सोच के कि चलो मैं विधायक हूँ, लोगों के काम भी करता रहूँ, आज उस स्थिति की जब मैंने कहा मुख्यमंत्री जी यदि मैं लोगों के बीच में जाऊँगा आपकी वोट मांगने के लिए तो मैं क्या कहूँगा, क्या काम को गिना के जाऊँगा, या आपने जो मेरे साथ किया उसको कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को मैं माफ करके अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो कम से कम लोगों को फेस सेवी होनी चाहिए। जो इज्जत मान मुझे जो मैंने छोड़ा था, यदि वो इज्जत मान मिलता मैं चलने को तैयार हूँ। कम से कम लोगों को बता सकता हूँ कि 1 साल के अंदर मैं कुछ करके बताऊंगा, इसलिए मैं जो सरकार के साथ चला हूँ। परंतु कुछ लोग थे जो एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री जी के, उनका कि 4 लाख से हम जीते हैं पिछली बार, लाख घट जाएंगे, 2 लाख घट जाएंगे, 3 लाख घट जाएंगे, जीत हमारी होगी। तो अनिल शर्मा की जरूरत है नहीं इसमें। तो आज पता लग गया कि लोगों ने किस तरीके से जो है अपना मत दिया है वहाँ पर। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि जो एडवाइजर उनके हैं वो किस तरीके से एडवाइज करते हैं, कैसे करते हैं, सरकार के साथ चलते हैं या सरकार के अनदेखी के बात है, वो उन पर निर्भर करता है। बात यह है कि मैंने आज भी जो मुद्दा उठाया ये विकास का ही है। कौन विधायक नहीं चाहता कि अपने क्षेत्र के अंदर, हमने काम बहुत किए हैं, ये नहीं है कि अपने क्षेत्र में काम नहीं किए, सबसे डेवलप्ड हमारा क्षेत्र हो सकता है यदि मंडी क्षेत्र की मैं बात कर सकता हूँ, पर कौन नहीं चाहता कि हम यहाँ पहुँचे और आगे ना जाएं। मुख्यमंत्री को चाहिए, और मैं भी आज इस बात को आप मुझे मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, 1 साल का समय बचा है, आप ऐसा काम कर दीजिए मंडी के अंदर, मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर, कि मैं लोगों में आपके लिए बात कर सकता हूँ। तो तभी संभव होगा जब आप कुछ अपना सोच का दायरा बदलेंगे, सोच का दायरा बदलेंगे तो जनता भी सोच सकती है इसके बारे में। देखिए, मैंने कहा यदि कुछ कर बताने को नहीं हो तो मैं कैसे जाऊंगा लोगों के बीच में, और वो जनता तय करेगी। मैंने कहा कि जनता तय करेगी कि मुझे आगे क्या करना है, जुड़ी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये तो इन पर निर्भर करता है। अभी इनके ऊपर है कि मेरे को कैसे जो है चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते तो राष्ट्रीय राजनीति के अंदर का ही खुले रास्ते होते हैं। उज्ज्वल हिमाचल के लिए तपोवन से आशीष राणा।
डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।